बीबीए छात्रा गैंगरेप मामले में पानीपत कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 6 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट से बरी होने के बाद आरोपी पक्ष ने खुशी जताते हुए नोट उड़ाए। पीड़िता ने आरोपियों के इस कदर नोट उड़ाकर खुशी का इजहार करने को अपना और प्रशासन का मजाक उड़ाना करार करते हुए नाराजगी जताई और कहा कि उन्हें इस मामले में कोई इंसाफ नहीं मिला है। पीड़िता का कहना है कि छेड़खानी तक के मामले में आरोपियों को दोषी करार दिया जाता है, उन्हें सजा तक मिलती है, लेकिन उसके साथ हुए गैंगरेप के बाद भी आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट के इस फैसले से नाखुश पीड़िता ने कहा कि वे इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और हाई कोर्ट में इसकी अपील करेगी। की लड़ाई लड़ रहे थे, कल इसमें फैसला आया और हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये फैसला होगा। उन्होंने कोर्ट परिसर के अंदर वकीलों के चैम्बरों के आगे जो नोट उछाले, उन्होंने नोट नहीं मेरी इज्जत को उछाला है और मैंने कभी नहीं सोचा। मतलब पहले तो उन्होंने गैंगरेप करके पूरी दुनिया में मेरी इज्जत को उछाला और अब उन्होंने पैसों के थ्रू मेरी इज्जत को उछाला। इसका मतलब कहीं पे भी कोई न्याय नहीं है, हर चीज़ यहाँ पे बिकाऊ हो गई है। मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से ये गुहार है कि फ़ोटो को देखते हुए, अखबार की कटिंग को देखते हुए, वो इस मामले में संज्ञान ले और मुझे न्याय दे। अब मुझे मीडिया और उन पर ही भरोसा है और किसी भी चीज़ पर कोई भरोसा नहीं रहा। वो वही आरोपी थे जिन्होंने, मतलब उनमें से दो बाहर थे, वही आरोपी थे और इतना ही नहीं, अब बाहर निकल के भी मतलब वो मेरे पति को धमकी दे रहे हैं। तो अभी अभी हमें मतलब पूरा पूरा जान माल का खतरा है। जो आरोपी थे वो खुले आम आदमी की तरह घूम रहे और हम एक चारद्वारी के अंदर कैद हो गए हैं। कुछ भी नहीं है, फैसला कुछ भी नहीं है। इसमें मेरी मतलब इज्जत की और इसमें प्रशासन की कोर्ट की धज्जियाँ उड़ाई गई है और कुछ भी नहीं है। मतलब आज तक पूरे इतिहास में ऐसा कोई फैसला आया ही नहीं है कि 6 के सारे आरोपी बाइज्जत बरी हुए, जिनको एक दिन की भी सज़ा नहीं हुई है। मार पिटाई छेड़खानी में भी सज़ा होती है, लेकिन मेरे जो गैंग रेप जैसा 2.5 साल तक जिन्होंने मेरे साथ में मतलब इतनी ज्यादती करी, ये और वो बिल्कुल बाइज्जत बरी हो गई। हिंद एक्सप्रेस के लिए जीन से रोहताश भोला की रिपोर्ट।